हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ क्लासेज में। आइए हम पढ़ाते हैं आज प्रतिशत का नया टाइप। अभी तक हमने बहुत टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी क्लास को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आप करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा कि एक ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। कितनी रह जाए आपकी इसमें 5%। इसमें मिलाना क्या है आपको? शुद्ध ग्लिसरीन। क्या मिलाना आपको? शुद्ध ग्लिसरीन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखिए इसको हम समझेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। इसमें आपकी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी? ट्रिक आपसे क्या मिलाने के लिए कहा गया, इसमें शुद्ध ग्लिसरीन क्या कहा गया आपसे? शुद्ध ग्लिसरीन। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपका जो 50 लीटर का नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। कितनी परसेंट की है मिलावट इसमें अशुद्ध? 20% की। तो इसको कैसे लिख लेंगे आप? 20। और फिर क्या हो रहा है कि इसमें अशुद्धता का जो परसेंटेज हो जाएगा कितना रह जाएगा? 5%। कितना रह जाएगा आपका वो? 5%। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इसको 20/5 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे इसको? 20/5। आपका जो टोटल आपका यहाँ पे इसमें मिश्रण था, टोटल कितना है आपका? 50 लीटर। तो गुना किससे कर देंगे आप? 50 से। किससे गुना कर दोगे आप? 50 से। तो कितनी बार कटेगा ये? 10। तो 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200 लीटर। तो आपका जो मिश्रण था अब कितना हो गया है? 200 लीटर था। पहले कितना था वो? 50 लीटर था। तो कितनी मात्रा बढ़ी है इसमें? इसमें बढ़ चुकी है आपकी 150 लीटर की मात्रा। कितनी बढ़ चुकी है इसमें? 150 लीटर की मात्रा। और जो ये 150 लीटर आपका आंसर आया है ना, जो ये क्वेश्चन में आपका 150 लीटर आया है, वो क्या कह रहा है कि इसमें शुद्ध जो ग्लिसरीन की मात्रा है ना वो निकल के आई है कितनी? 150 लीटर। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा आपका? 150 लीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति, शक्ति का मतलब यह है कि इसमें उसकी मात्रा कितनी होगी, अल्कोहल की इसमें मात्रा कितनी होगी। आपसे क्या पूछा गया है? अल्कोहल की मात्रा पूछी गई है, और वो भी मात्रा किस में निकालनी है आपको? परसेंटेज में। चलिए अब निकालते हैं हम अल्कोहल का परसेंटेज। अल्कोहल का परसेंटेज आप कैसे निकाल लेंगे आप? सबसे पहले आपका जो विलयन था टोटल मिश्रण वो कितना था? 5 लीटर। कितना था वो आपका? 5 लीटर था ना। और 5 लीटर और उसमें क्या होगा कि 1 लीटर पानी और मिलाया गया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 6 लीटर। टोटल मिश्रण कितना हो गया ये? 6 लीटर। और पहले मिश्रण कितना था? 5 लीटर। तो 5/ क्या लिख देंगे इसको? 6। और किसका परसेंटेज पूछ रहा आपसे? अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा ना। तो गुना हमें 100 से नहीं करनी है यहाँ पे, हमें किससे करनी है इसमें? अल्कोहल के परसेंटेज से ही गुना करनी है। तो क्वेश्चन में जो अल्कोहल का परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है आपको? 40%। कितना दिया है? 40%। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें 40 से गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6, और 2 से कितनी फिर कटेगा? 20, और 20 × 5 = 100। तो 100/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 33.1% होती है। तो आपका जो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा होगी नए मिश्रण में वो कितनी होगी? 33.1%। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखे दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। नमक की मात्रा कितनी है? 6%। उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए? कितनी हो जाए? 5%। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना इसमें क्या मिला रहे हैं। उसने ये कहा कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। चलिए दोस्तों, अब आपको जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले किया इस टाइप का क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आपका नमक की मात्रा कितने परसेंट है? 6%। इसको लिख लेंगे 6।
और फिर आपका नमक की मात्रा कितने परसेंट रह गई है इसमें, 5% हो गए। कितने परसेंट हो गए ये, 5%। तो आप बटे में कितना लिख लोगे, 5, और गुना किससे करोगे आप, जो आपका स्टार्टिंग में मिश्रण दिया है ना 25 लीटर, इससे आप इसमें क्या कर दोगे, इसमें आप गुना करोगे, तो 25, तो 5 से 25 पाँच बार कट जाएगा और 6 5 30 लीटर। तो जो आपका मिश्रण था ना अब कितने लीटर हो गया, 30 लीटर, और पहले मिश्रण कितना था आपका, 25 लीटर। तो 30 लीटर से आप क्या करोगे, इसमें आप 30 लीटर में से आप माइनस कितना कर देंगे आप, 25 लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 लीटर आपका आंसर आया है, ये आप इसमें क्या डाला गया है, 5 लीटर हमने इसमें क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। जो मात्रा एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, वो मात्रा किसकी बढ़ी है, वो मात्रा बढ़ी है आपकी पानी की, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो ये जो 5 लीटर इसका आंसर आया है, क्या आया है, पानी आया है। तो 5 लीटर क्या करेंगे, इसमें हम पानी मिला देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। टोटल घोल कितने का है, 21 लीटर का, और तद अनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, आपसे क्या बोला, दूसरा जो घोल है उसकी मात्रा कितने लीटर है। इसमें हम किसका यूज करेंगे, इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। किस मेथड का यूज करेंगे, इसमें हम एलिगेशन मेथड का। चलिए आप स्टार्टिंग में आपको दिया क्या गया है, 90%, कितना दिया है 90%। दूसरा कितना है आपका, 97%, कितना दिया है आपका दूसरा, 97%। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद 94% शुद्धता वाला एक घोल तैयार हो गया। तो आप क्या करोगे, 97 और 94 का डिफरेंस कितना होता है, 3, वो उसके यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करोगे आप, 90 और 94 का डिफरेंस कितना होता है, 4, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जो 3:4 आया है, ये इनकी मात्राओं का अनुपात आया है, कितना अनुपात आया है इनकी मात्राओं का। तो आपका जो टोटल घोल कितना था, 21 लीटर, टोटल घोल कितना था आपका, 21 लीटर आपका टोटल घोल था, और आपसे क्या पूछ रहा है उसमें, दूसरे घोल की मात्रा पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें टोटल कितना हो रहा है आपका, ये 7, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 21 लीटर, कितना कह रहा है ये, 21 लीटर। तो कितने गुना हो रहा है दोस्त, ये हो रहा है बेटा 3 गुना, 7 से 21 हो रहा है ना, इसका मतलब है कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो इसमें किसकी मात्रा पूछ रहा है आपसे, दूसरे की घोल की मात्रा, किसकी मात्रा पूछ रहा है आपसे, दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर होगी। तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा घोल है वो कितना है, 4, कितना है ये, 4, और 4 का जैसे ही आप 3 गुना करोगे तो दूसरे घोल की जो मात्रा होगी वो होगी आपकी 12 लीटर। 12 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का परसेंटेज 70% हो जाए, ठीक है दोस्त। अब तक तो जो हम क्या कर रहे थे, इसमें जो घोल दे रखा था, जो मात्रा मिलाई जाती है ना उससे अपोजिट से गुना कर रहे थे, जो मात्रा मिलाई जा रही ना उससे क्या कर रहे थे, अपोजिट से गुणा कर रहे थे। चलो देखते हैं अब इसमें, अब इसमें क्या है कि घोल में क्या होता है, घोल में तो क्या होगा आपका, पानी होगा, और क्या होगा उसमें, चीनी होगी। घोल में क्या होगा आपका, पानी होगा और क्या होगा, चीनी होगी। जब घोल में 30% चीनी है, जब घोल में 30% चीनी है तो पानी कितना होगा, 70%, पानी कितना रहेगा आपका, 70%। फिर दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि चीनी का परसेंटेज 70% हो जाए, जब चीनी का परसेंटेज 70 हो जाएगा तो घोल में 30% तो पानी होगा ना, पानी कितना होगा घोल में, 30%, और ये कितना हो जाएगा आपका, 70। तो अब देखना आप, इसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए,
क्या मिला रहा है इसमें, चीनी मिला रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, चीनी को छोड़ देंगे, इसका जो विपरीत है ना पानी उससे गुना करेंगे। चलो आप क्या करोगे इसमें, आप चीनी को छोड़ दोगे, चीनी को आप छोड़ देंगे। अब कितना बच रहा है आपके पास, पानी कितना है 70 और ये कितना है 30, तो उसको क्या लिख लेंगे आप 70/30 और गुना किससे कर देंगे आप 75 से। गुना किससे करोगे आप लोग, 75 से गुना करोगे जैसा अब तक हम करते आए ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 3 से 75 कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 सत्ते कितने होते हैं 175। तो जो आपका मिश्रण है वो टोटल कितना हो जाएगा 175 ग्राम, और पहले कितना था वो 75 ग्राम, पहले कितना था आपका ये 75 ग्राम था, अब कितना हो गया 175 ग्राम। तो 75 से 175 ग्राम हो गया, तो इसमें आपको कितनी वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि कितनी हुई है 100 ग्राम की। इसका मतलब हमने इसमें क्या करा है, इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाई है, इसमें वृद्धि कितने की हो गई आपकी। आप क्या करोगे 175 में से आप 75 ग्राम माइनस कर लोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो 100 ग्राम आएगा। इसमें 100 ग्राम चीनी और मिलाई गई है, कितनी मिलाई गई इसमें 100 ग्राम चीनी इसमें और मिलाई गई है। ठीक है बेटा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना आप इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 30% अल्कोहल के घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है, तो घोल में जल का प्रतिशत कितना है। आपसे क्या कह रहा है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में कितना मिला लिया, 1 लीटर, और इसमें क्या कह रहा है कि शुद्ध अल्कोहल मिला है, घोल में किसका परसेंटेज पूछ रहा है, बस जल का पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जो आपका अल्कोहल है और एक क्या वाटर है, जब अल्कोहल 30% है तो जो आपका वाटर हो जाएगा कितना हो जाएगा 70%, किसको हो जाएगा 70%। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, पानी का जो है आपका परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, पानी का परसेंटेज। इसको भी हम ट्रिक के साथ करेंगे, देखो जो हमने तक करा है क्वेश्चन, आप पानी का परसेंटेज पूछ रहे हैं ना आपका, पहले ये बताइए आप, पहले जो आपका 6 लीटर था ना आपका घोल कितना था आपका 6 लीटर, अब इसमें क्या करा है कि 1 लीटर इसमें घोल में 1 लीटर और अल्कोहल मिला दिया गया, तो 6 लीटर से कितने लीटर बन गया वो 7 लीटर, कितना बन गया है वो 7 लीटर, और पहले कितना था 6। आपसे किसका परसेंटेज पूछ रहा है, पानी का, तो गुना किससे करेंगे हम, जो पानी का परसेंटेज दिया गया है, तो पानी का परसेंटेज कितना दे रखा आपको 70%, कितना दे रखा आपको 70%। तो क्या करोगे आप, गुना किससे कर देंगे आप 70 से, कितनी बार जाएगा 10, 10 से कितना हो जाएगा आपके 60%, तो जो आपका पानी का परसेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60%। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा क्वेश्चन सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।